हेलो गाइस, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उत्तराखंड का एक प्रमुख स्थल बद्रीनाथ, क्योंकि इसमें उत्तराखंड की परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको बद्रीनाथ विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा, तो आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और प्लीज़ लाइक भी करना है। तो आइए जानते हैं हम बद्रीनाथ के बारे में। तो बद्रीनाथ का अन्य नाम है आपका विशाल बद्री, इसको विशाल बद्री भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी इसमें मैं आपको पॉइंट बताऊंगा वो परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के साथ साथ ऑल इंडिया एग्जाम के लिए भी। तो महाभारत एवं पुराणों में इसे मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा, बद्री वन, बद्री काश्रम, विशाला, नर नारायण आश्रम आदि बुलाते थे। तो ये इसके प्राचीन नाम है, कौन कौन से, मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा, बद्री वन, बद्रिकाश्रम, विशाला, नर नारायण आश्रम आदि। नेक्स्ट पॉइंट है, बद्रीनाथ भारत का एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान है, यह चार धामों में से भी एक है। मैं आपको चार धाम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा, दो या तीन मिनट का वीडियो होगा तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें मान्यता है कि भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में गंधमादन, कहीं कहीं पे इसको गंधमादन पर्वत भी लिखा आता है, तो गंधमादन पर्वत पर बद्री यानी बेर के वन में तपस्या की थी। आज भी नर एवं नारायण दो पर्वत उस स्थल पर आज भी क्या है, विद्यमान है यानी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, महाभारत काल में बद्रीनाथ मंदिर की मान्यता का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत काल में भी बद्रीनाथ मंदिर की मान्यता का उल्लेख मिलता है। महाभारत के भीष्म पर्व, कौन सा पर्व आपका भीष्म पर्व, वन पर्व में भी हमारा बद्रीनाथ का उल्लेख मिलता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, मान्यता है कि महाभारत के रचनाकार श्री महर्षि व्यास जी ही पर स्थित व्यास गुफा में महाभारत की रचना करी थी। तो महाभारत की रचना किसने करी थी, वेद व्यास जी ने। और व्यास गुफा आपका चमोली जिले में स्थित है, माड़ा गांव में आपका बद्रीनाथ के पास। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, महाभारत का प्राचीन नाम तो क्या था उसका, जय संहिता, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, बद्रीनाथ मंदिर चमोली जिले में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो बद्रीनाथ मंदिर चमोली जिले में अलकनंदा नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस मंदिर में बद्रीनाथ जी का विग्रह काले शालिग्राम शिला पर अंकित है। अगर आप बद्रीनाथ गए होंगे तो आपने देखा होगा उनकी मूर्ति काले रंग की है। नेक्स्ट पॉइंट है, मंदिर की ओर अलकनंदा नदी तट पर गर्म कुंड स्थित है, जिसे हम तप्त कुंड भी कहते हैं। अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं तो आपने तप्त कुंड में पहले स्नान करना पड़ता है। अगर आप बद्रीनाथ जाएंगे तो आपको पहले यहाँ स्नान करना पड़ेगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बद्रीनाथ घूम के आइए, बहुत एक प्रमुख स्थल है और आपको वहाँ बहुत शांति मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, मंदिर प्रतिवर्ष अप्रैल मई माह में खुलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो मंदिर प्रतिवर्ष आपका अप्रैल मई महीने में खुलते हैं एवं शरद ऋतु में नवंबर के थर्ड सप्ताह के लगभग वो बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी दक्षिण भारत स्थित मालाबार क्षेत्र के आदि गुरु शंकराचार्य के वंशजों में से एक होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो कहाँ के, मालाबार क्षेत्र के आदि गुरु शंकराचार्य के वंशजों में से एक है और जिन्हें रावल कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बद्रीनाथ के पुजारियों को क्या कहा जाता है, तो रावल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बद्रीनाथ मंदिर तीन भागों में बांटा है या बांटा गया है। सबसे पहला आपका सिंह द्वार, दूसरा आपका मंडल और तीसरा आपका क्या है, गर्भ ग्रह। तो इसके ये तीन भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य प्रतिमा भगवान विष्णु के चिंतन वाली, कौन सी, भगवान विष्णु की चिंतन वाली, काले रंग की है। तो वहां भगवान विष्णु की मूर्ति काले रंग की है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन यह खंडित है। और इसका रीजन क्या है, खंडित होने का कारण शायद नारद कुंड में इसका पड़े रहना है। कहीं कहीं बुकों में, किसी बुक में नारद कुंड लिखा है
और किसी बुकों में अलकनंदा और तप्त कुंड में पड़े रहना है, क्योंकि नास्तिकों ने इनको किसी बुक में लिखा है कि नारद कुंड में फेंक दिया था, किसी में लिखा अलकनंदा नदी में, और किसी में तप्त कुंड में फेंक दिया था, ऐसा कई बुकों में लिखा है। तो उसके बाद तप्त कुंड से निकालकर शंकराचार्य जी ने उसे स्थापित कराया था। और कहीं कहीं पे ये मान्यता भी है कि उस टाइम हमारे हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, प्रभाव हो गया था, तो इसलिए ही शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में चार मठ स्थापित करे। तो उसी मठ में से आपका नॉर्थ में हमारा क्या आया, बद्रीनाथ। तो वहाँ से धीरे धीरे हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। नेक्स्ट है इसमें मुख्य मूर्ति के पार्श्व में नर नारायण की, दाहिने कुबेर की एवं बाएं नारद की प्रतिमाएं स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस मंदिर का निर्माण संभवतः गढ़वाल वंश के राजा अजयपाल द्वारा किया गया था या उनके शासनकाल में हुआ था, परंतु पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरी राजवंश को जाता है। आपको बताया कि शंकराचार्य ने वहाँ क्या करा था, गुफा में तप करा था और उन्होंने वहीं वो मूर्ति स्थापित कर दी थी। नेक्स्ट है आपका इस मंदिर का शैली, तो इस मंदिर की शैली क्या है आपकी, शंकुधारी, और ये मंदिर 15 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर, 15 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा, मैंने जो आपको बताया गढ़वाल के राजा ने बद्रीनाथ मूर्ति को गुफा से निकाल कर वर्तमान मंदिर में स्थापित किया, और मंदिर बन जाने के पश्चात इंदौर की महारानी अहिल्याबाई, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने यहाँ स्वर्ण कलश छत्री चढ़ाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1803, तो गढ़वाल में सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप 1803, तो 1803 में आए भूकंप के कारण मंदिर को बहुत क्षति पहुंची थी, जिसके बाद मंदिर का जीर्णोद्धार जयपुर या कहीं पे ग्वालियर भी लिखा हुआ आता है। तो 1803 के भूकंप के बाद बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया आपका दौलत राव सिंधिया जी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। बद्रीनाथ में दर्शनीय शिलाएं कितनी है प्रमुख, 5, गरुड़ शिला, नारद शिला, ब्रह्मकमल शिला, नरसिंह शिला और मार्कंडेय शिला। नेक्स्ट है बद्रीनाथ में प्रमुख गुफाएं, तो स्कंद गुफा और आपका व्यास गुफा, गणेश गुफा, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, और मुचकुंद गुफा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बद्रीनाथ मंदिर से थोड़ी दूरी पर ब्रह्म कपाली स्थित है और जहाँ लोग अपने पितरों का पिंड अर्पित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्नान के लिए वहाँ 5 प्रमुख कुंड हैं। तो सबसे पहले आपका तप्त कुंड, मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इसी में स्नान करते हुए हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं, नारद कुंड, सत्यपद कुंड और त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड। नेक्स्ट है आपका जो शीतोष्ण कुंड भी है। अब लास्ट में आता है पंचधाराएं जो बद्रीनाथ में है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला आपका कुर्मा धारा, नेक्स्ट आपका प्रहलाद धारा और इंदु धारा, उर्वशी धारा और भृगु धारा। एक आपको मैंने उत्तराखंड सॉरी बद्रीनाथ की शैली भी बताई थी मंदिर की, तो एक तो आपका शंकुधारी शैली होता है, कौन सा, शंकुधारी, और दूसरी शैली पूछा जाएगा तो आप उसमें मुगल भी देख सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड है। आप अगर आपको शंकुधारी मिला तो आप शंकुधारी शैली लगाएंगे और मुगल लगा तो मुगल। और संस्थापक तो मैंने आपको बता दिया है अजयपाल प्लस कत्यूरी राजा या कत्यूरी राजवंशी, इनमें से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मैंने आपको बद्रीनाथ विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है, जो उत्तराखंड और ऑल इंडिया एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने क्या करना है, हमारे चैनल को प्लीज अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।